ॐ श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ दिं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ दिं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा। जिन परिवारों के द्वारा यहाँ सालों से शांति धारा करवाई जा रही है, उन सब परिवारों की तरफ से आज की ये शांति धारा श्रीमान अजय जी जैन, चारू जी जैन, अमन जैन, ईशिता जैन, अभी जैन परिवार राणा प्रतापबाग, श्रीमान अशोक जी, रजनी जी, नरेंद्र जी, संगीता जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रतापबाग, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, पवन प्रीति अंकुर तेजला सिमर गोदा परिवार शक्ति नगर, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, रिश्वी टिया व आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार, स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, स्वाति जैन परिवार सीसी कॉलोनी, श्रीमान नसीब सोनी, ममता नीतू, मनीत पीयूष, लोहित पलक, स्मिता रितिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा उपासना कुंज गुणमंडी, श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत चाव, चिरंजीव हेतु भूपत राय मोदी, सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगिता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, श्रीमान अजय जी जैन, रितु जैन परिवार शक्तिनगर परिवार की तरफ से भी शांति धारा, श्रीमान सुरेश जी जैन, नरेश जी जैन खिलौने वाला परिवार, रूपनगर परिवार की तरफ से शांति धारा, श्रीमती शकुंतला जी जैन सह परिवार बुद्धा अपार्टमेंट की ओर से आजीवन शांति धारा, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, राजेंद्र मीना, नैन्सी, अभिषेक गोदा, रुचि पुलकित सेठी परिवार शक्ति नगर, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी जैन, जेके जैन मॉडल टाउन के स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार की तरफ से शांति धारा। श्री भीतराय नमः, ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लभ्यां पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आदिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्व विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपरायण मृत्युं ंदना
सर्वत्मतंबतत्तं भोलमुक्संबाह नंदना कुरु कुरु सर्वमेवा नंदना कुरु कुरु सर्वदेशा नंदना कुरु कुरु सर्वजमाना नंदना कुरु कुरु सर्वदुखन हन हन तस्य तस्य कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं कुरु कुरु यस्कं त्रिशलोकेषु व्याधिर्विषमयोर्जित अयम् ज्योमारोग्या स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु नमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु ज्योमारोग्यमस्तु सदास्तु आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ति सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य सब टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले सबका स्वास्थ्य लाभ हो इसी सुंदर भावना से पुष्टि रस्ते पुष्टि रस्ते अग्नि रस्ते कल्याण नमस्ते नमस्ते अभिवृद्धि रस्ते दीर्घायु रस्ते धनानी सदा संत नमस्ते मां श्री बलायु आरोग्येश्वर्या अभिवृद्धि रस्ते नमस्ते धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रतिदन्त नमस्ते नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 चतुर्गति दुख विनाशनम् भवतु 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम् अस्यांशा अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्ताणं ब्रह्मं सर्वसारूपं करो करो ॐ नमो भगवते भगवते श्रीमते प्रक्षेपाशे पुष्कलमसाय गुरुपुरोमूर्ते नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वपापत्रनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वलोकसर्वप्रतिनाशनाय सर्वसर्गक्षुद्रपदविनाशनाय सर्वचामदामर्विनाशनाय ॐ शान्तिं कुरु कुरु प्रतीक्षा की घड़ियां हो रही हैं समाप्त, छा रहा है उत्साह, हो रहा है पारसनाथ भगवान एवं गुरुवर का चमत्कार। जी हां, 19 से 25 अप्रैल 2024 तक राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर के होने वाले श्री 1008 पारसनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए
संकट हरण पारसनाथ भगवान के चमत्कार एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के आशीष अनुकंपा से मात्र 8 घंटे के अंदर पंच कल्याण के मुख्य पात्रों का हो चुका है चयन। महोत्सव के सौभाग्यशाली पात्र इस प्रकार है: तीर्थंकर भगवान के माता पिता श्री पवन जैन गोधा, श्रीमती प्रीति जैन गोधा, पुत्र एवं पुत्रवधु श्रीमती शकुंतला गोधा, शक्तिनगर दिल्ली। सौधर्म इंद्र शचि इंद्राणी श्री अंकुर जैन, श्रीमती त्रिशला जैन गोधा, पुत्र एवं पुत्रवधु श्रीमती शकुंतला गोधा, शक्तिनगर दिल्ली। कुबेर इंद्र श्री नरेंद्र जी, श्रीमती संगीता जी जैन, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। महायज्ञ नायक श्री वीरेंद्र जी, श्रीमती पायल जी सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली। महायज्ञ नायक श्री अभिनंदन जैन के सुपुत्र श्री पवन जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, सुपुत्र श्री कपिल जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शचि जैन, सुपुत्री पारुल जैन, दामाद श्री विशेष जैन, बेटी कायशा जैन, मारुति रबर परिवार, प्रीत विहार, दिल्ली। यजमान श्री अजय जी, श्रीमती चारु जी जैन परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। संकट हरण भगवान पारसनाथ के अनन्य भक्त। ईशान इंद्र श्री राजेंद्र जैन गोधा, श्रीमती मीना जैन गोधा जी, पुत्र एवं पुत्रवधु श्रीमती शकुंतला गोधा। सानत कुमार इंद्र श्री सुनील जैन गोधा, श्रीमती एकता गोधा एवं समस्त परिवार, सीसी कॉलोनी, पुत्र एवं पुत्रवधु श्रीमती शकुंतला गोधा। महेंद्र इंद्र श्री अमित जैन, श्रीमती अंबिका जी जैन, शक्तिनगर दिल्ली। ब्रह्म इंद्र श्री अनुज जी, श्रीमती शीतल जी जैन, जैन कॉलोनी। ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री नितिन जैन, श्रीमती निधि जैन, कमला नगर, दिल्ली। प्रथम पालना श्री धनेन्द्र जी, श्रीमती अंजू जी जैन परिवार, निर्माण विहार, दिल्ली। ध्वजारोहण कर्ता श्री सुनील जैन, श्रीमती मनीषा जैन, मोना जनरेटर, निर्माण विहार, दिल्ली। प्रथम आहार दाता श्री हेमचंद जी जैन परिवार, श्री विजय जी, श्री प्रदीप जी, श्री संजय जी, चांदी वाले, पीतमपुरा। जिन्होंने वेदी वे प्रतिमा दी, उस प्रतिमा के माता पिता सौधर्म इंद्र, कुबेर, यज्ञ नायक परिवार, श्री सुरेश जी संघपति, श्रीमती बिमला जी जैन एवं समस्त परिवार, पीतमपुरा। श्री मुकेश जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, जेपी पेंट परिवार, गुजरावाला टाउन। जन कल्याणक 21 अप्रैल 2024 संपूर्ण भोजनदातार परिवार श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधु अनुभव जैन, शिप्रा जैन, पुत्र आयान जैन, ऋत्विक जैन एवं समस्त चावल वाला परिवार, शालीमार बाग, पश्चिम। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुदेव के चरणों से ये आवाज कर रहा हूं, दिल्ली का ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा। चाहे इसके अंदर कुछ भी करना पड़े, ये ऐसा पंच कल्याणक जिसे दुनिया देखेगी, दुनिया के 172 देश देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का द्रव्य नहीं लगा, यहाँ पर पवन गोदा ने कुछ नहीं किया, ये तो सारे देश, दिल्ली, भारत ही नहीं विदेश से जो भी इस मंदिर के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, सब जगह से हमारे पास में पैसा आया है। यह सिर्फ भगवान पारसनाथ का आशीर्वाद था या गुरुदेव का आशीर्वाद था कि हम सब एक साथ जुड़े। और हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई हमें लाखों रुपया दे, कोई करोड़ा दे, हम तो यही चाहते हैं कि यह पंच कल्याणक ऐसा पंच कल्याणक हो कि एक एक आदमी इस पंच कल्याणक से जुड़ जाए। हो सकता है ये पंच कल्याणक ही इसलिए हो रहा हो कि जो दिल्ली बिखरी हुई है वो जुड़ जाए। बंधुओं, हमारा जुड़ना ही हमारा पैसा है, हमारा जुड़ना ही हमारा सब कुछ है। अपन इतने बिखड़ चुके हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज वो जैन समाज जो विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स देती है, सबसे ज्यादा गौशाला चलाती है, सबसे ज्यादा पाठशाला चलाती है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा पैसा देती है, सबसे ज्यादा गौशाला पास करती है, और आज वो समाज पीछे रहती है। क्यों? ये सब उसके दोषी आप और हम है, दूसरा कोई नहीं है। हमारी ताकत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए भी सोचते रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ हमारी एक दूसरे की कमजोरी है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम सबको ये ठान लेना है
कि जैन समाज वो समाज है, जब शिखर जी का मुद्दा आया तो रोड पर आ गई तो 5 घंटे के अंदर अंदर हमारी सुनवाई हो गई। बंधुओं, हमें सुनाने के लिए ऐसा ही सब कुछ करना पड़ेगा कि हम सब एक हों, एक साथ हों, ये ना सोचे कि मैं नहीं आऊंगा तो ये नहीं होगा, ये गलतफहमी दूर कर देना। आप तो ये सोच लेना कि इस पंच कल्याणक में मेरा क्या योगदान था, मैंने क्या किया, मैंने घर अपना 100 करोड़ का बनाया, बना लेना, कोई बात नहीं है। एक दिन मैं सुन रहा था, एक प्रवचन के अंदर बोला जा रहा था, तुम घर नहीं बना रहे, शमशान घाट बना रहे हो, ये पक्की बात है। ये घर आप किस लिए बना रहे हो? इस घर में आपका मरण होगा, आपका शमशान घाट बन रहा है। बंधुओं, जो मंदिर बन रहा है उसमें लाखों लोग दर्शन करेंगे, हम सब दर्शन करेंगे, बाहर से आने वाले दर्शन करेंगे, बाहर वाले देखेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसा ही चेहरा, श्रीमती वीना जी जैन दरियागंज, शायद आप सब लोग जानते होंगे, एक ऐसा परिवार जिन्होंने कहा नहीं पवन भैया, छोटी मूर्ति से क्या होता है, मेरे को तो बहुत बड़ी देनी है, इतनी बड़ी देनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाना, खड़े होकर के बजा देना, जिन्होंने पहले कहा कि घर में सोना कोई काम आने वाला नहीं है, भगवान की मूर्ति में अगर सोना लगा दूंगी तो चाहे सब दर्शन करेंगे, पहले सोने की बनाऊंगी, फिर बोली नहीं ये तो बहुत छोटी बन गई, मैं चांदी की बनाऊंगी और इतनी बड़ी बनाऊंगी कि कोई उसको उठा नहीं पाए, ऐसी मूर्ति भी एक चांदी की बना करके मंदिर में रख दी। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाए बंधुओं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। आपने और हमने क्या किया, एक दूसरे की बुराई की भलाई की, ये पंच कल्याण का अवसर आपको मिला है। ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने, जहां लोग कह रहे थे इस कूड़े के ढेर में क्या बनेगा, क्यों पैसा बेकार कर रहे हो, आज वही जगह सोना उगल रही है। पीछे वाले भी हाथ जोड़ते हैं, रिक्शे वाला भी हाथ जोड़ता है कि देखो मेरे को रिक्शा खड़ी करने की जगह मिल गई। ये आपका और हमारा सौभाग्य था जो हमको ये दिन मिला है, ये मंदिर मिला है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पंच कल्याणक में जो नहीं आएगा वो पछताएगा, जो पात्र नहीं बनेगा वो भी पछताएगा, जब देखेगा तो कहेगा कि मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये सब लोग आप ध्यान रखना कि इस पंच कल्याणक में गुरुदेव ने यह पंच कल्याणक केवल इसलिए किया है कि हम सब जुड़ जाएं, हम सब एक हो जाएं और हमारे संकट संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ दूर करें। ऐसी भावना के साथ में हम सभी पहले गुरुदेव को सुनेंगे और उसके पश्चात आप सबकी सुनेंगे। पहले आज की भावना, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से 172 देशों में देखा जा रहा है। आप चिंता नहीं करना, सब सुन रहे हैं इसको, क्योंकि उनको भी चिंता है, उन्होंने भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दिया है, इसलिए उनकी भी चेष्टा है कि हमारा भी नाम इस मंदिर में कहीं ना कहीं आए। और गुरुदेव ने कहा है कि एक एक व्यक्ति का नाम इस मंदिर की शिला पर आएगा, जिन्होंने 1 रुपया भी दिया है उसका भी नाम आएगा, जिसने 21 लाख रुपए दिया उसका भी आएगा, और जिसने 1 करोड़ दिया है उसका भी आएगा। भैया यही काम आएगा, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी खर्चा कर ले, कुछ भी कर ले, शायद उसका नाम हो या ना हो, पर हमारा अगर मंदिर में 1 रुपया भी लग गया, और जब हमारे बच्चे आएंगे तो कह सकते हैं कि हमारे पापा ने भी इसके अंदर पैसा लगाया था, हमारे पापा का द्रव्य भी इस मंदिर के लगा है, मैं क्यों नहीं दर्शन करने जाऊं। शायद पैसा नहीं देंगे तो सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं, मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं है। ये भावना हमारे मन में मत रखना, कोई राग द्वेष मत रखना। ऐसी भावना के साथ में आने वाले इस दिल्ली के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो आने वाली 19 से 25 अप्रैल तक, बहुत काम कर लिया, सब रिटायरमेंट पे हैं, कोई चिंता मत करना। 5 दिन आपको धर्मशाला में रुकना है, धर्मशाला में रुकना, 5 स्टार होटल में रुकना हो 5 स्टार होटल में रुकना, मेरे घर रुकना हो तो घर रुकना, कोई चिंता मत करना। पर सोच लेना कि 7 दिन अगर गुरुदेव को मानते हैं तो हम यही रहेंगे, इस पंच कल्याणक में रहेंगे, इस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐसी भावना के साथ में हम सभी अभी गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।